और नोटबंदी पर विपक्ष के आक्रोश दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सारी हदें लांग दी। विरोध मार्च के दौरान पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर लगे मोदी के पोस्टर पर कालिख पोत दी और फिर भी मन नहीं भरा तो पोस्टर को फाड़ दिया। ये है कांग्रेस की आक्रोश रैली की तस्वीरें जहां पर सारी हदें विरोध की पार कर दी गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के पोस्टर पर कालिख पोती है, इतने से भी मन नहीं भरा तो पोस्टर को फाड़ दिया। कई जगह खबरें आई हैं जहां पीएम मोदी को लेकर आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ है, कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता, कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। और ये तस्वीरें आप वाराणसी से देख रहे हैं, वही वाराणसी जिसका प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, और वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये जो हुजूम है वहाँ इस तरीके से नजर आया है। विरोध प्रदर्शन का ये तरीका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में अख्तियार किया। तो नोटबंदी को लेकर ये तस्वीरें कांग्रेस की आक्रोश दिवस की हैं। पूरे देश में कांग्रेस आज आक्रोश दिवस मना रही है और इसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो समूचे देश में नजर आ रहा है। तस्वीरें आप वाराणसी से देख रहे हैं। अभिषेक झा वाराणसी से संवाददाता जुड़ गए। अभिषेक, ये तो विरोध प्रदर्शन की हद हो गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर कालिख पोती गई, पोस्टर फाड़ा गया, और किस तरीके की तस्वीरें आज आक्रोश दिवस पर नजर आई है वाराणसी में? जी, वैसे अगर हम बात करें कि भारत बंद की, तो ये तो लेफ्ट के द्वारा आउट किया गया था, बाद में कांग्रेस उसके साथ में थी और उसी को देखते हुए इन्होंने आक्रोश रैली का नाम दिया। और जब ये आक्रोश रैली मिंट हाउस से आगे बढ़ी तो रास्ते में जो तमाम पेट्रोल टंकी या कई जगहों पे जनधन योजनाओं से लेकर के रिलेटेड जितने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगे हुए थे, कार्यकर्ता अति उत्साह में आकर के, और इन्होंने अपने जो एक विरोध की मर्यादा होती है उसको तोड़ने का काम किया और पोस्टरों के ऊपर में कालिख पोतने से लेकर के जूते से चप्पलों से मारने का काम किया। अभिषेक, क्या कांग्रेस का कोई प्रदेश स्तर का कोई बड़ा नेता भी वहां मौजूद था, ये सिर्फ कार्यकर्ता ही वहां मौजूद थे? जी हाँ, कांग्रेस के प्रदेश स्तर के आप कहें तो संजय सिंह जो सबसे बड़ा चेहरा थे इस आक्रोश रैली में वो मौजूद थे और उनके सामने ही सब कुछ हुआ। इसके अलावा कांग्रेस के तमाम बड़े प्रदेश वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, यहाँ के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा थे, अजय राय थे, तमाम बड़े कद्दावर नेता इस पूर्वांचल के इलाके के थे, प्रदेश के कई बड़े बड़े नेता थे और उनके सामने कार्यकर्ताओं ने इस तरह की हरकत की, लेकिन बावजूद इसके उन लोगों ने। अभिषेक, ये तो कांग्रेस का अपना प्रदर्शन है, लोगों का क्या रवैया है आज के भारत बंद की हम बात करें या फिर हम आक्रोश दिवस की बात करें, जो स्थानीय दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, अगर बात करेंगे आप स्थानीय लोगों की तो स्थानीय लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसने भारत बंद बुलाई है या किसने आक्रोश रैली की हुई है। लोग जैसा रोज अपना दुकानों को खोलते हैं, व्यापारियों के अंदर में लोग सुबह अपना पूजा पाठ किए दुकानों का, उसके बाद वो ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे, ग्राहक आए अपनी खरीदारी, जैसा अमूमन जिंदगी चलती है वैसे ही, कोई फर्क नहीं पड़ा है कम से कम काशी में। शुक्रिया अभिषेक झा इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं वाराणसी से जो ये तस्वीरें हैं उसमें तो जो आक्रोश नजर आ रहा है कांग्रेस का, लेकिन इस आक्रोश में, इस भारत बंद में ना तो व्यापारी शामिल हुए हैं ना आम लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।